हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न स्पॉटिंग के कुछ रियल बैंकिंग क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस सभी अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी ज़रूर पढ़ें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए और इंग्लिश सेक्शन को अच्छा करने के लिए। इस वेबसाइट पर आपको जाना है examinee.in, और यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन में जाके आप मेरे फ्री ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इन रियल क्वेश्चंस को। देखिए, ये बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस में क्या करना है। देखिए, एक तो होता था ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें पूरे सेंटेंस में आपको एक एरर बतानी होती थी, लेकिन अब इसमें दो एरर पूछी जा रही है। एक सेंटेंस है और इसमें इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। चार पार्ट्स में से किसी भी दो पार्ट में एरर हो सकती है, ग्रामेटिकल एरर हो सकती है। तो वो जो दो पार्ट का कॉम्बिनेशन होगा वो आपका आंसर इसमें होगा। और आने वाले टाइम में यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में तीन एरर भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो चलिए इस सेंटेंस को करते हैं और देखते हैं कहाँ पर इसमें एरर हो सकती है। इस तरह के सेंटेंसेस को आपको कैसे करना है, इस तरह के सेंटेंसेस को आपको पार्ट बाई पार्ट एनालाइज करना है। पूरे सेंटेंस में जो चार पार्ट हैं उसको पूरे को पढ़ना है, लेकिन पार्ट वाई पार्ट आपको एनालाइज करते हुए जाना है। तो यदि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, यदि आप रेगुलर बेसिस पर रीड करते हैं, तो काफ़ी क्विकली और एक्यूरेसी के साथ किसी भी एरर को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इसमें जो वोकेबलरी होती है, उस वोकेबलरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो आपको समझना ज़रूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि उस वर्ड का लिटरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग आपको पता हो। केवल कॉन्टेक्स्ट आपको यदि क्लियर हो जाता है, तो उस वर्ड में से, उस सेंटेंस में से एरर आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको काफ़ी सारे वर्ड्स नहीं आते। ठीक है, यदि आपको आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो वेल एंड गुड, लेकिन वोकेबलरी अच्छी नहीं भी है तो भी आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, रीडिंग हैबिट के थ्रू इन इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन हैज। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपको फ्रिंज एलिमेंट का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको ये बात तो पता हो सकती है या होनी चाहिए एज ए नॉर्मल स्टूडेंट कि यहाँ पर जो नाउन है ये प्लूरल है। यहाँ पर हमने लिखा है फ्रिंज एलिमेंट्स। ठीक है, तो इससे संबंधित यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी, वो प्लूरल होगी। ठीक है, इसमें देखिए वर्ड का कोई रोल नहीं है, और यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको फ्रिंज एलिमेंट्स का मतलब नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसमें से एरर निकाल सकते हैं। तो चूंकि फ्रिंज एलिमेंट्स प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, यहां पर वो प्लूरल आएगी। तो एक तो इसमें ये एरर हो गई। अब ये एरर जो है ये किस पार्ट में है, ए पार्ट में ये एरर है। ठीक है, यहां पर क्या होगा है, अभी मैं और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अपियर टू बी ऑन द प्राउल एंड ऑपरेटिंग विद इम्प्यूनिटी इन सम ऑफ द स्टेट्स द अनचेक्ड मैनर इन दैट दे आर अनलीशिंग वायलेंस। देखिए, एक फ्रेज होता है द मैनर इन विच। ठीक है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, द मैनर इन विच। तो ये जो फ्रेज है इसमें हम हमेशा बोलते हैं मैनर इन विच, मैनर इन दैट नहीं बोलते, क्योंकि यहां पर हम एक पर्टिकुलर मैनर की बात कर रहे हैं। यहां पर जो क्लॉजेज हैं वो डिफाइनिंग क्लॉज नहीं है, दैट को हम डिफाइनिंग क्लॉज में यूज करते हैं। देखिए, ये एक अलग टॉपिक है कि डिफाइनिंग क्लॉज क्या होते हैं, विच या दैट का प्रयोग कहाँ पर होता है, लेकिन फॉर द टाइम बींग अभी आप इसको इतना याद रखिए कि जो फ्रेज होता है मैनर इन विच हम बोलते हैं, मैनर इन दैट नहीं बोलते, क्योंकि ये पर्टिकुलर मैनर होता है। तो यहां पर मैनर इन विच होगा। ठीक है, तो ये जो पाथ है ये किस में है, सी में है, यानी ए और सी पाथ में इसमें गलती है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए सी। ए सी कहाँ दिया है, सेकंड पाथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ए सी आंसर इसमें आसानी से निकाल दिया। अब देखिए, ये पूरा सेंटेंस मैंने नहीं पढ़ा, इसके वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको नहीं बताए। अब यहाँ पर देखिए कितने 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 कठिन मीनिंग्स हैं। फ्रिंज एलिमेंट्स है, प्राउल है, अनलीशिंग है, वायलेंस है। ठीक है, काफ़ी सारे सीरियस कंसर्न है, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, इम्प्यूनिटी है। ठीक है, अनचेक्ड है। तो इन सारे वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको नहीं बताए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसका आंसर निकाल दिया।
मतलब मैंने बता दिया कि ये इसमें आंसर हो सकता है, तो ये स्किल आपने अंदर डेवलप करनी है आपको, और यही एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो कि इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है, और ये स्किल आ सकती है रीडिंग से। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं होते, ठीक है, जो जो सोसाइटी को डिसरप्ट करने का काम करते हैं, फालतू लोग होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे कहीं भी कर्फ्यू है या भीड़ है, उसका एक पाथ होते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स। फ्रिंज का मतलब होता है एक्चुअली किनारा या एज, तो फ्रिंज एलिमेंट्स का मतलब है जो सोसाइटी के किनारे पर बैठे हुए हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, ठीक है, एज पर वो बैठे हुए, उनको हम बोलते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स। तो फ्रिंज एलिमेंट्स इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन हैज अपीयर। देखिए ये जो वर्ब है अपीयर, इसको हम हैज के साथ नॉर्मली नहीं लगाते, जैसे हम बोलते हैं सीम टू बी, उसी तरीके से अपीयर टू बी। तो यहां पर इस सेंटेंस का मतलब होगा फ्रिंज एलिमेंट्स इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन, गाय की सुरक्षा के नाम पर जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, दे अपीयर टू बी ऑन द प्राउल। मतलब ऑन द प्राउल का मतलब होता है जैसे जैसे जंगल में एक शेर या चीता होता है, वो अपने शिकार को ढूंढता हुआ घूमता रहता है, शिकार को ढूंढते हुए घूमता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड प्राउल, ठीक है, ऑन द प्राउल। एंड ऑपरेटिंग विद इम्प्यूनिटी इन सम ऑफ द स्टेट्स, द अनचेक्ड मैनर इन विच दे आर अनलीशिंग वायलेंस विदाउट द फियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो काउ प्रोटेक्शन के नाम पर वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, अपने वायलेंस को शो कर रहे हैं, और उनको इस बात का डर नहीं है, लॉ का उनको डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं है। विदाउट द फियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ये एक चिंता का विषय है, ये एक सीरियस कंसर्न है। इस सेंटेंस को मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। देखिए एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, फ्रिंज एलिमेंट्स इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन अपीयर टू बी ऑन द प्राउल, मतलब ऐसा लगता है कि फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं वो काउ प्रोटेक्शन के नाम पर ऑन द प्राउल हैं, मतलब कोई ना कोई मौका वो ढूंढते रहते हैं ताकि वो वायलेंस क्रिएट कर सके। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है विद इम्प्यूनिटी, मतलब वो इम्यून हो गए हैं, ऐसा लगता है कि मतलब उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, उनको सजा से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। इम्प्यूनिटी का मतलब है कि वो सजा से उनको एग्जेम्प्शन के लिए एक्चुअली ये वर्ड आया है इम्प्यूनिटी। इन सम ऑफ द स्टेट्स द अनचेक्ड मैनर इन विच दे आर अनलीशिंग वायलेंस, वो अपने वायलेंस को रिलीज कर रहे हैं, अनलीश का मतलब होता है किसी चीज़ को रिलीज करना, और वो रिलीज कर रहे हैं वायलेंस को कैसे, विदाउट द फियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फियर ऑफ, उनको कोई डर नहीं है कानून का, और ये एक चिंता का विषय है, इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। तो ये इस पूरे सेंटेंस में बताया है, ठीक हैज़ अपियर्ड हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे काउ प्रोटेक्शन इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन अपियर टू बी फ्रिंज एलिमेंट्स, क्योंकि ऐसा लगता है, हम बोल रहे हैं कि ऐसा लगता हैज़ अपियर्ड का तो मतलब हो जाएगा कि ऐसा लग चुका है, जो कि गलत होगा, ठीक है। फ्रिंज एलिमेंट्स को देख के ऐसा लगता है कि वो वायलेंस को क्रिएट कर रहे हैं और कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो हम हैज़ अपियर्ड नहीं बोलेंगे, हैव अपियर्ड भी नहीं हम बोल सकते, हम बोलेंगे अपियर टू बी, ऐसा लगता है। तो आई थिंक मैंने इसको काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर होगा ए सी, ऑन द प्राउल। थोड़े से वर्ड मीनिंग और डिस्कस कर लेते हैं, इम्प्यूनिटी का मतलब एग्जेम्पशन होता है, अनलीशिंग का मतलब इसको रिलीज करना होता है किसी चीज़ को, सीरियस कंसर्न मतलब चिंता का विषय, अपीयर मतलब ऐसा लगता है, काउ प्रोटेक्शन मतलब गाय रक्षा के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर, ठीक है। ऑन द प्राउल का मतलब होता है किसी का शिकार करते हुए कोई चीज़ घूमती रहती है, जैसे जैसे किसी को मारने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए आप घूम रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑन द प्राउल। ये एनिमल्स के लिए नॉर्मल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ए सी यहाँ पर इस्तेमाल, ए सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फ्रिंज एलिमेंट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कंपनीज में आपको जो जो मेन बेनिफिट्स होते हैं, जो मेन सैलरी होती है, उसके अलावा जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कार है या दूसरी दूसरी फैसिलिटीज हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। तो यहां पर वॉट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ए सी, दैट इज सेकेंड, ठीक है। द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वॉज सपोज टू बी अ गेम चेंजर इन द टर्म्स ऑफ, देखिए आपको पढ़ते हुए जाना है और थोड़ी सी भी कहीं पे एरर होगी तो आपको अपने आप पता लग जाएगी यदि आपकी रीडिंग हैबिट सही है,
द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वॉज सपोज टू बी, ये सही है, सपोज टू बी ए गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, अनफॉर्चुनेटली इट एक्ट, देखिए यहाँ पर इट सिंगुलर है तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट एक्ट्स, ये एक्ट्स हो जाएगा। ये इट किसके लिए आया है, ये इट आया है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के लिए, इसके लिए आया है ये एक नाउन है और नाउन को हम रिप्लेस करते हैं हमेशा प्रोनाउन से, तो इसलिए यहाँ पर इट आया है। और इट चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक्ट, एक्ट्स हम यहाँ पर बोलेंगे। और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है सी का, तो एक तो इसमें हुआ सी में गलती हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, रादर देन इट वर्क इन ए हॉलिस्टिक वे, पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वॉज सपोज टू बी ए गेम चेंजर। सभी को ये उम्मीद थी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो होगा वो एक गेम चेंजर होगा, वो उस पूरी पिक्चर को चेंज करके रख देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली इट एक्ट्स लाइक ए गवर्नमेंट बॉडी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक गवर्नमेंट बॉडी की तरह काम करता है जो कि मेजर करता है किस चीज को, केवल मेल न्यूट्रिशन को, जो मेल न्यूट्रिशन को मेजर करता है किसके बजाय, रादर देन वर्किंग इन ए हॉलिस्टिक वे, हॉलिस्टिक वे में एक संपूर्ण तरीके से काम करने की बजाय वो एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी की तरह काम करता है जो केवल मेल न्यूट्रिशन को मेजर करती है। तो यहां पर के बजाय का सेंस आ रहा है, तो रादर देन के साथ, ये रादर देन के आगे हम यहां पर लगाएंगे वर्किंग, क्योंकि यहां पर आप इंस्टेड ऑफ भी लगा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद हम हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। रादर देन को आप कंजक्शन और प्रपोजिशन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रपोजिशन की, तो रादर देन को यहां पर आपको प्रपोजिशन की जगह, प्रपोजिशन के स्थान पर यूज करना होगा, और प्रपोजिशन के बाद हम हमेशा जेरेंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, तो यहां पर हो जाएगा वर्किंग, ठीक है। तो इसमें सी और डी पार्ट गलत हैं, तो आपका आंसर होगा थर्ड, सी डी इसमें पार्ट गलत हैं, रादर देन वर्किंग होगा इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिए और बताइए, तो उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं, फार्मिंग इज़ नॉट जस्ट ए जॉब, इट इज़ वे ऑफ लाइफ, यहाँ तक सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। द पॉलिटिकल क्लास, क्लास होता है ग्रुप, ठीक है। द पॉलिटिकल क्लास इन इंडिया इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यहाँ तक ये सही है, रिस्पॉन्सिबल के बाद हम फॉर लगाते हैं, लार्जली सही है, ये लार्जली है एक्चुअली एडवर्ब और रिस्पॉन्सिबल है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, ये सही है। यहाँ पर फॉर द प्लाइट फार्मर्स क्या होता है, प्लाइट होता है बैड कंडीशन, दुर्दशा, ठीक है। तो प्लाइट ऑफ फार्मर्स होना चाहिए, कंडीशन ऑफ फार्मर्स, प्लाइट ऑफ फार्मर्स मीन्स कंडीशन ऑफ फार्मर्स। तो फार्मिंग इज नॉट जस्ट ए जॉब, फार्मिंग एक जॉब नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का तरीका है। और पॉलिटिकल क्लास जो है इंडिया के अंदर, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो मोटे तौर पर लार्जली रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, किसानों की दुर्दशा के लिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लाइट ऑफ फार्मर्स। सो इन प्लेस ऑफ प्लाइट फार्मर्स वी शुड से प्लाइट ऑफ फार्मर्स, ओके। सो दिस इज द इरोनियस पार्ट हियर, तो यहाँ पर एक तो बी पार्ट आपका गलत हो गया, इन इंडिया इनेबल एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेस एंड, एंड के बाद हमने क्या लगाया है, एंड के बाद जो वर्ब लगाई है वो आईएनजी फॉर्म में है, इसलिए एंड के पहले जो वर्ब लगेगी वो भी आईएनजी फॉर्म में होगी, क्योंकि तो एंड के द्वारा हम इक्वल क्वांटिटी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इनेबलिंग इनेबलिंग एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज एंड पॉपुलराइजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब ये जो दो चीज़ें बताई हैं यहाँ पर, ये वर्केबल सॉल्यूशंस हैं जिससे कि किसानों की दशा सुधर सकती है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, एक तो आपका बी हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका डी, बी डी इसमें आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा सेकेंड यानी बी डी। आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, एसबीआई पीओ के लिए और एसबीआई क्लर्क के लिए मैंने नए बैचेज स्टार्ट किए हैं, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें मैं इंग्लिश और करेंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, और इसको यदि आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो काफ़ी नज़दीक आप पहुँच सकते हैं रियल सिलेक्शन के।
तो इसका पूरा डिटेल इस स्क्रीन पर दिया है, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। और इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर जाके भी इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। examini.in इस वेबसाइट पर जाना है आपको, साइन अप करना है और वहाँ पर कोर्स सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ से डायरेक्टली इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीदर ऑफ देम वर, नीदर एक सिंगुलर वर्ड है, नीदर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो एक तो यहाँ पर इसमें वॉज होगा, ठीक है, तो एक तो इसमें गलती ये हो गई ए पार्ट में। दूसरा हम देखते हैं, हाउ एवर दे वर एबल टू कंपनसेट बाय, बाय एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हम लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो एक ये गलती हो गई इसमें। असिस्ट, असिस्ट किस पार्ट में है, सी पार्ट में है, यानी ए और सी इसमें गलत हैं। आपका आंसर होगा 4। देखिए कितना लंबा ये सेंटेंस था और इस सेंटेंस को मैंने 4 से 5 सेकेंड, 4 से 5 सेकेंड भी नहीं लगा, और आप भी इसी तरीके से कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पर, रीडिंग करेंगे रेगुलर बेसिस पर, तो निश्चित रूप से आप भी इस तरह के सेंटेंसेस को यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नीदर ऑफ देम वॉज एबल टू अकम्प्लिश देयर टारगेट बिफोर डेडलाइन, मतलब डेडलाइन से पहले दोनों में से एक भी अपने टारगेट को एकम्प्लिश नहीं कर पाया। हाउ एवर, लेकिन फिर भी दे वर एबल टू कंपनसेट, लेकिन अपने टारगेट को वो पूरा नहीं कर पाए, तो जो काम अधूरा रह गया उसको उन्होंने कंपनसेट किया किस तरीके से, बाय असिस्टिंग देयर सबॉर्डिनेट, उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे उनके जो टारगेट्स थे उनको पूरा कराने में उन्होंने हेल्प करी, जो कि कैसे थे, जो कि नए थे जॉब में और जिनका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, मिनिमल या एक्सपीरियंस या बहुत कम उनको एक्सपीरियंस था। यहाँ पर एक चीज़ हम और समझ सकते हैं, एक होता है मिनिमल, एक होता है मिनिमम, ठीक है, क्या डिफरेंस इन दोनों में, मिनिमल और मिनिमम, ठीक है। तो मैं ये एक्सप्लेनेशन मिनिमम और मिनिमल का अपने सब्सक्राइबर्स पर, अपने स्टूडेंट्स पर छोड़ता हूँ। यदि आपको इसका डेफिनेशन पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगले वीडियो क्लास में मैं इसको डिस्क्राइब आपको करूँगा कि मिनिमल और मिनिमम में क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग फॉलोइंग द हार्वेस्ट ऑफ पैडी क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा कैन नॉट बी अवर्टेड, होना चाहिए ये। देखिए यहाँ पर मैं खुद ही रुक गया क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर कुछ गलती है। जब आप एक सेंटेंस को नेचुरल तरीके से पढ़ते हैं और रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी है तो आप पढ़ते पढ़ते खुद ही रुक जाएंगे वहाँ पर, यहाँ पर एरर होगी वहाँ पर आप खुद ही रुक जाएंगे। जैसे कैन नॉट बी के बाद अवर्टेड होगा ये, क्योंकि कैन नॉट बी पैसिव वॉइस फॉर्म होता है, तो ये होगा अबर्टेड। एवर्टेड का मतलब होता है प्रिवेंट करना, किसी चीज को रोकना। कैन नॉट बी एवर्टेड मतलब इस घटना को हम एवर्ट नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, किस तरीके से, यहां पर होना चाहिए एक्चुअली फ्रॉम इम्पोजिंग फाइन्स, बाय इम्पोजिंग फाइन्स, मतलब इस घटना को या इस एक्टिविटी को हम फाइन लगा के इम्पोज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी एवर्टेड बाय इम्पोजिंग फाइन्स और गिविंग नोटिस और गिविंग फार्मर्स कैपिटल सब्सिडी। इंस्टेड द इशू, यहाँ पे इशू सिंगुलर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा रिक्वायर्स, यानी इसमें आपकी एक तो डी गलती हो गई और एक बी गलती हो गई, यानी बी डी इसमें आपका आंसर है, आपका आंसर होगा 4th, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग फॉलोइंग द हार्वेस्ट ऑफ पेडी क्रॉप्स इन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में चावल की जो खेती होती है, चावल की खेती, चावल की जो फसल होती है उसको काटने के बाद नीचे जो स्टबल बचते हैं, स्टॉक्स जिनको बोलते हैं, उनको उनको जला दिया जाता है, ठीक है। तो उस घटना की यहाँ पर बात हो रही है, इस घटना को रोका नहीं जा सकता, फाइन लगा के इस घटना को नहीं रोका जा सकता, या नोटिस लगा के, नोटिस दे के इस घटना को नहीं रोका जा सकता। इंस्टेड इसके बजाय द इशू रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म विजन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंटरवेंशन, मतलब इसके लिए एक नया प्लान या एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने की जरूरत है, इसको फाइन लगाने से या नोटिस देने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेल इट इज ए नो ब्रेनर, इसमें एक एक वर्ड और आया था, इसमें एक वर्ड आया था, क्या वर्ड आया था, चलिए इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। वेल इट इज नो ब्रेनर, इट इज़ नो ब्रेनर का क्या मतलब है, इट इज़ नो ब्रेनर मीन्स के ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दिस इज़ क्वाइट क्लियर एंड ऑब्वियस, ठीक है, इससे आप आसानी से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वेल इट इज़ ए नो ब्रेनर दैट मोर देन 70% ऑफ द एक्सीडेंट,
70% जो एक्सीडेंट हैं वो 70% आप एक को बोलेंगे या बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे उनको बोलेंगे। तो 70% का मतलब है कि काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स, ठीक है। ये है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश का सिंपल एप्लीकेशन, और यही चीज़ आपको बैंकिंग एग्जाम में चाहिए। तो यहाँ पर होगा एक्सीडेंट्स, ठीक है, एक्सीडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर लिखा है अकर। अकर मतलब ये प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब इस हिसाब से भी इसका एक्सीडेंट्स होना जरूरी है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर ये आपकी गलती है, ऑन अकाउंट ऑफ पीपल्स बिहेवियर, यानी बी पार्ट में एक तो गलती हो गई। इफ़ ड्राइवर्स ओवेट द स्पीड लिमिट, ये तो सही है, लेकिन ये पास्ट सिंपल टेंस में है, तो पास्ट सिंपल टेंस के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, हम वुड लगाते हैं, वुड। इफ ड्राइवर्स ओवेट द स्पीड लिमिट फ्यूअर एक्सीडेंट वुड अकर, यहाँ पर होगा वुड अकर। तो एक ये पार्ट आपका गलत हो गया, बी डी इसमें आपका आंसर होगा, तो इसमें भी आपका आंसर होगा फोर्थ। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है कि वेल इट इज ए नो ब्रेनर दैट मोर देन 70% ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ऑन अकाउंट ऑफ पीपल्स बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर के कारण, लोगों के गलत बिहेवियर के कारण 70% से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। इफ ड्राइवर्स ओवेट द स्पीड लिमिट, यदि ड्राइवर ने स्पीड लिमिट को ओवे किया होता तो फ्यूअर एक्सीडेंट वुड अकर ऑन रोड्स। यहाँ पर एक इमेजिनरी सेंटेंस है कि यदि ड्राइवर्स स्पीड लिमिट को ओवे करें तो कम एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आर कंट्री डज नॉट लैक इन साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटी। अवर कंट्री डज नॉट लैक, हमारी कंट्री में कमी नहीं है, लैक ऑफ वॉट, लैक ऑफ साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो यहां पर इस इन का क्या काम है, ये इन यहां पर एक्स्ट्रा है या यूजलेस है या रिडंडेंट है। अवर कंट्री डज नॉट लैक, हमारी कंट्री में कमी नहीं है, हमारी कंट्री में किस चीज की कमी नहीं है, साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटीज की कमी नहीं है, तो इन यहां पर एक्स्ट्रा है। देखिए इन हम कम लगाते हैं, इन हम लगाते हैं लैकिंग के बाद या प्रोफिशिएंट के बाद, लैक के बाद नहीं। जैसे ही इज लैकिंग इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ही इज लैकिंग इन क्रिएटिव एबिलिटी, तो लैकिंग के बाद और प्रोफिशिएंट के बाद हम इन लगाते हैं, लैक के बाद नहीं लगाते। आवर कंट्री डज नॉट लैक, हमारी कंट्री में कमी नहीं है किस चीज की, साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटी की। एंड ऑल्सो, चलो एक पार्ट ये गलत हो गया, एंड ऑल्सो इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट, ये गलत, ऐसा मानना गलत है, इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट आर कंट्री डज नॉट, यहां तक ये सही है, प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च पर्पसेस, यहां तक ये सही है। अ लॉट ऑफ न्यू अवेन्यूज, अवेन्यूज प्लूरल है तो यहां पर आएगा हैव, ठीक है। तो एक हो गया इसमें, एक हो गया ए और एक हो गया डी, ए डी इसमें गलती है, आपका आंसर है इसमें थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग क्या होता है, मॉब लिंचिंग का मतलब है कि आपने कहीं पर किसी अपराधी को देखा और ये अपराधी ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो बिना ज्यूडिशियल इंक्वायरी के वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ ने उसको मार दिया, ठीक है। उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई ज्यूडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई, और भीड़ ने डिसीजन लिया और बिना किसी लीगल अथॉरिटी के उस व्यक्ति को मार दिया, दैट इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग। तो इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग शो, देखिए इंसिडेंट्स यहां पर प्लूरल है तो ये शो यहां पर सही है। इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग शो हाउ इंटॉलरेंट वी हैव बिकम इन दिस कंट्री एंड हाउ वी नो लॉन्गर वैल्यू लाइफ्स, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इम्प्लीमेंट लॉ स्ट्रिक्टली, ठीक है, टू प्रिवेंट मॉब्स टेकिंग लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड्स। मॉब्स का मतलब है यहां पर ग्रुप्स, इसलिए यहां पर आया है देयर जो कि सही है। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये पूरा सेंटेंस सही है, इसमें आंसर होगा आपका नो एरर। इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग शो हाउ इंटॉलरेंट वी हैव बिकम इन दिस कंट्री एंड हाउ वी नो लॉन्गर वैल्यू लाइफ्स, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इम्प्लीमेंट लॉ स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट मॉब्स टेकिंग लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड्स। हाँ सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हैड ही वर्क हार्ड, हैड के साथ हम क्या लगाते हैं, हैड के साथ हम वुड हैव लगाते हैं, ठीक है, हैड के साथ हम
वुड नहीं, वुड हैव लगाते हैं, तो यहां पर होगा वुड हैव पास्ड, वुड हैव पास्ड। तो एक तो ये गलती हो गई इसमें, ए पार्ट गलत हो गया एक तो। ऑल ही नीडेड, देखिए हैड ही वर्क हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, मतलब यदि उसने कड़ी मेहनत की होती तो वो पहले ही अटेम्प्ट में पास हो गया होता। ठीक है, ऑल ही नीडेड, उसको क्या जरूरत थी, उसको केवल इतना करना था, ऑल ही नीडेड वॉज टू फोकस ऑन हिज ओन प्रिपरेशन, उसको अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना था, एंड नॉट, यहाँ पर एक्चुअली नॉट को हम देखते हैं, नॉट से पहले कौन सी वर्ब है, नॉट से पहले है यहाँ पर फोकस, तो नॉट के बाद भी यहाँ पर होगा बॉदर। ठीक है, तो ये पार्ट, एक तो ए पार्ट गलत हो गया इसका और एक हो गया सी पार्ट गलत, तो इसमें आपका आंसर होगा ए सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दैट वॉज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। देखिए यूनिक अपने आप में एब्सोल्यूट टर्म है, ठीक है, तो इसके साथ हम मोस्ट नहीं लगाते, यूनिक जो एब्सोल्यूट टर्म्स होते हैं जैसे राउंड हुआ, पैरेलल हुआ, स्क्वायर हुआ, यूनिक हुआ, ठीक है, इसके साथ हम इसको हम कंपेयर नहीं करते हैं, ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई अगर, जैसे कोई अगर राउंड है तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे दिस इज मोर राउंड या दिस इज मोर सर्कुलर, जैसे दो सर्कुलर हैं तो आप ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस इज मोर सर्कुलर देन दिस, क्योंकि यदि वो ज़्यादा सर्कुलर होगा तो फिर सर्कुलर की शेप ही खत्म हो जाएगी वहाँ पर, वो सर्कुलर ही नहीं रहेगा। तो यूनिक का मतलब होता है अपने आप में ये एब्सोल्यूट टर्म है यूनिक, तो यूनिक के साथ हम मोस्ट नहीं लगाएंगे, ये काफ़ी अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर एक तो इसमें ए गलती हो गई, हाउ एवर ही स्क्वेंडर्ड इट एज ही डजेंट, डजेंट के बाद हम सीमिंग नहीं लगाएंगे, डजेंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये सीमिंग हो गया आपका, यानी इसमें भी सी पार्ट में गलती है, ए और सी इसमें गलत हैं, इसका आंसर होगा ए सी। इसको थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, दैट वॉज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ, वो सबसे बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी थी जो उसको उसकी लाइफ में मिली, हाउ एवर, लेकिन उसने क्या किया, ही स्क्वेंडर्ड इट, उसने उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया, क्यों कर दिया, एज ही डज नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन एनी अदर फील्ड देन आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग, उसने उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट क्यों कर दिया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था किसी और दूसरी अपॉर्चुनिटी में आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग के अलावा। तो इसमें ए सी आपका आंसर है। तो ये है रियल बैंकिंग क्वेश्चंस, और इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है, इस तरह के क्वेश्चंस की मैं ट्रिक्स और लॉजिक मैं बताता हूँ, यूट्यूब पर भी मैं इस तरह के वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता हूँ, और यदि आपको प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए इंग्लिश और करेंट अफेयर्स सेक्शन में तो आप हमारे ई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।